समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को छोड़कर अन्य सभी कार्यकारिणी भंग कर दी है। उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राज्य कार्यकारिणी के साथ ही लोहिया वाहिनी, छात्र सभा, यूथ ब्रिगेड सहित अन्य सभी फ्रंटल संगठनों की राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। माना जा रहा है कि पार्टी कार्य परिषद के सम्मेलन के बाद नए सिरे से कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन अगस्त के अंतिम सप्ताह या फिर सितंबर में होने वाला है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद से ही कार्यकारिणी भंग करने की संभावना जताई जा रही थी। इस बीच पार्टी के विधायकों और चुनाव हारने वाले प्रत्याशियों के साथ दो दौर की समीक्षा बैठक हुई। समीक्षा बैठक के बाद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सभी प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी को भंग करने का फैसला किया। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम का पद अभी बहाल रखा गया है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष पद पर भी बदलाव हो सकता है, लेकिन जब तक नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश पूरी नहीं हो जाती तब तक नरेश उत्तम पटेल कार्य करते रहेंगे। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के दुश्मन भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अखिलेश यादव एक तरफ अपनी पार्टी को नए सिरे से संभालने में जुटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ उनके आलोचक खुद उनके अपने भी बन रहे हैं। लगातार अखिलेश यादव की नीतियों की आलोचना हो रही है। उनका परिवार भी उनसे बेहद नाराज है। अखिलेश के लिए आने वाले महीनों में सबसे बड़ी चुनौती अपनी पार्टी और परिवार को साथ रखना ही होगा। अखिलेश यादव हाल के विधानसभा चुनाव में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थे, लेकिन नतीजे कुछ और ही साबित हुए। उनके लिए एक यात्रा जरूर समाप्त हुई, अभी दूसरी शुरू हुई है। खास बात यह है कि यात्रा पिछले वाली से कहीं ज्यादा कठिन है। अखिलेश यादव पर आरोप लगने लगे हैं कि पार्टी की बागडोर संभालने के बाद से वो लगातार चुनाव हार रहे हैं। विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण, फिर राज्यसभा और विधान परिषद चुनावों में भी आलोचकों को अखिलेश के खिलाफ ज्यादा मुखर कर दिया है। विधायक दल को अक्षुण्य बनाए रखने के अलावा अखिलेश को अब अपनी पार्टी से पलायन को रोकने के लिए भी बेहद काम करना जरूरी है। शायद यही वजह है कि सब कुछ वो नए सिरे से करना चाहते हैं। अखिलेश यादव के सहयोगी जो कि गठबंधन में हैं, वो उनके साथ गठबंधन जारी रखने के मूड में नहीं दिखते। उनके एकमात्र सहयोगी जिसने अखिलेश और उनकी पार्टी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला है वो है राष्ट्रीय लोक दल यानी रालोद, जो कि बेहद सावधानी से चल रहा है। सूत्रों की माने तो रालोद प्रमुख जयंत चौधरी एसपी के साथ तब तक संबंध नहीं तोड़ेंगे जब तक उन्हें एक बेहतर और अधिक विश्वसनीय सहयोगी नहीं मिल जाता। ओपी राजभर मुखर हो चुके हैं, उन्होंने बगावत का झंडा बुलंद कर लिया है और कई मौकों पर वो अखिलेश यादव की आलोचना करते हुए साफ दिखे हैं। सुखराम यादव ने ये तक कह दिया है कि 2024 में लोकसभा चुनावों के दौरान समाजवादी पार्टी का सफाया भी हो सकता है। तो इन तमाम आरोपों प्रत्यारोपों के बीच अखिलेश यादव एक नए सिरे से अपनी पार्टी को नया रंग रूप देने की तैयारी में हैं, और शायद यही वजह है कि उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर सभी कार्यकारिणी भंग करके एक नए समाजवादी पार्टी को बनाने का फैसला किया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।